तो आज आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इनके बटालियन की वीडियो है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में 49वीं वाहिनी SSV के जवानों ने व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया वृक्षरोपण कार्यक्रम, तो उसी के बारे में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में 49वीं वाहिनी SSVE जवानों व उनके परिवार के सदस्य द्वारा किया गया वृक्षरोपण आज दिनांक 4/9/2021 को 49वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ललौरी खेड़ा की नई लोकेशन में वृक्षरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री HNS विष्ट उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय पीलीभीत व संदिग्धा अध्यक्षता में श्रीमती ऋचा विष्ट क्षेत्रीय मुख्यालय पीलीभीत के नेतृत्व में समस्त कार्यक्रम किया गया तथा कमांडिंग ऑफिसर श्री गोविंद सिंह भंडारी 49वीं वाहिनी के द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ रखने एवं वृक्षरोपण को बढ़ावा देने के लिए बताया गया कि वृक्षरोपण करना एक पुण्य का काम है। वृक्षरोपण से पर्यावरण की शुद्धता बनी रहती है, पौधे लगाने से वातावरण हमेशा हरा भरा रहता है और मानव के लिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं। पेड़ पौधे लगाने से वातावरण हमेशा शुद्ध साफ रहता है और वृक्ष की सेवा देखभाल एवं सुरक्षा का ध्यान रखने की स्वदायित्व का भाव भी जागृत किया गया। बताया गया कि 49वीं वाहिनी में संदीक्षा कार्यक्रम के तहत इस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन हमेशा होता रहेगा। इस कार्यक्रम में श्री अमनदीप सिंह उप कमांडेंट, श्री RK रमन उप कमांडेंट, श्री SP उनियाल सहायक कमांडेंट तथा इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह, संतराम सिंह भारद्वाज अन्य महिला जवान शामिल हुए।